मंसूरी, स्वागत है आपका सीएनसीसी टीवी न्यूज में। झारखंड के साहिबगंज जिला राजमहल चरवाह मैदान में राजमहल विधानसभा भाजपा के प्रत्याशी अनंत ओझा की ओर से एक जनसभा का आयोजन किया गया। वहीं भाजपा के प्रत्याशी अनंत ओझा ने राष्ट्रीय राजमार्ग एवं भूतल परिवहन मंत्री भारत नितिन गडकरी से मांग करते हुए कहा, राजमहल में गंगा नदी पर पुल बनाने की मांग की। मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड में विकास की गति और तेज होगी। उन्होंने कहा कि साहिबगंज में गंगा नदी पर पुल बनाने की प्रक्रिया हो गई है और कुछ ही दिनों में पुल निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। उसके बाद राजमहल में भी गंगा नदी पर पुल बनाने का वादा किया। गंगा पुल के कारण राजमहल से बंगाल जुड़ जाएगा। पुल के निर्माण के बाद झारखंड के विकास की गति और तेज हो जाएगी। उन्होंने कहा कि राजमहल विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी अनंत ओझा को भारी मतों से विजय बनाए और विकास की गंगा बहाए। हजारों की संख्या में वहां कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जीवन में बसा चल सके और हमारा एमएस का फोर लेन बनाने का जो सपना आपने पूरा किया है उस सपना को पूरा हो पाएगा। इसी के साथ साथ ये जो राजमार्ग की शक्ति है, ये पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा राजमार्ग क्षेत्र, जहाँ एक तरफ साहेबगंज से बिहार को जोड़ता है, वही राजमार्ग से सीधे बंगाल को जोड़ता है, मालदा और मुर्शिदाबाद जिला की सीमा पर पड़ता है। झारखंड से हमारे संवाददाता संतोष शर्मा की खास रिपोर्ट।